Good morning students. How are you all? Hope you all doing well. Students, welcome to SST class. Today, we will read our chapter 3. I love my India. India. India is my country or our country. I and we feel proud to be an Indian. Hota hai na? Proud feel hota hai na? Jab ap apne Indian

तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट में रैंक करता है एंड द मेन लैंड स्प्रेट्स फ्राम कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू नो इंडिया स्प्रेड्स ओवर थर्टी टू लैक्स एटी सेवन थाउजेंड 263 स्क्वायर किलोमीटर दिस इज़ द स्क्वायर किलोमीटर मींस लैंड एरिया जो है वो इंडिया का इतना स्प्रेड किया हुआ है एंड इन द पॉपुलेशन इंडिया कम्स इन द सेकंड पोजीशन मींस फर्स्ट आता है चाइना का जिनका मोर देन 139.27 थर्टी क्रोर्स है और इंडिया का हमारे वन मोर देन वन ट्वेंटी है तो इंडिया की अगर लैंड की अगर आप पूरी स्क्वायर किलोमीटर देखोगे तो वो सेवेंथ लार्जेस्ट में आता है अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड एंड अगर आप पॉपुलेशन में देखोगे तो इंडिया सेकेंड में आता है फर्स्ट इज चाइना तो आज बच्चों हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो लेट्स लेट्स रीड इन लेसन टू यू लर्न डैट देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपने लेसन टू में पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल कॉन्टिनेंट जिनको हम हिंदी में महाद्वीप भी कहते हैं और वो क्या था दे आर एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका होप आई होप कि आपको ये सारे लर्न होंगे इंडिया लाइज इन एशिया इंडिया कहाँ लाइ करता है एशिया में इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड आफ्टर चाइना एज आई टोल्ड यू इन इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन वन ट्वेंटी करोर मोर देन वन ट्वेंटी करोर जस्ट इमेजिन इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेज इट बट ऑबियस कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है एंड यू नो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ लोगों को बोलने की पूरी राइट्स है इंडिपेंडेंटली जीतने की पूरी राइट्स अगर आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ के गवर्नमेंट या उनकी अलग अलग पॉलिसी होती है जहाँ पे वो इतना इंडिपेंडेंटली हर कुछ नहीं बोल सकते लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो आपको कोई भी अपनी मन की बात कहनी हो या अगर आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं समझ में आ रही उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझ में आ रहे तो भी आप उसको पूरे हिम्मत के साथ बोल सकते हो और हमारी गवर्नमेंट उस चीज़ को समझते भी है उनको फॉलो भी करते हैं और सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं और हर कास्ट के लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग पाएंगी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज़ पाएंगी इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज़ विथ मेनी कंट्रीज़ इंडिया जो है उनकी जो बाउंड्री सी दिस इज़ अ मैप ऑफ इंडिया दिस इज़ द बाउंड्री ये जो है ना ये इंडिया की बाउंड्री है ठीक है समझ लो ये एक मैप है पूरा ग्लोब है पूरा ये और ये इंडिया यहाँ पर एशिया का यहाँ पर लाइक करता है और ये जो बाउंड्री है इसके बाहर अलग अलग कंट्रियाँ हैं ये अंदर में पूरी इंडिया है और ये जो बाहर जितने भी है ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ है तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ है जिनके इंडिया अपनी बाउंड्रीज़ टच करवाता है दे आर पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल चाइना भूटान एंड बांग्लादेश मायनमार ओके एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स ये किसके करीब ज़्यादा है ये इंडियन ओशन के बहुत ज़्यादा करीब है इंडियन ओशन हमारा यहाँ लाइ करता है इंडियन ओशन के करीब है श्रीलंका एंड मालदीव्स ठीक है हमारा इंडिया एज यू ऑल नो पूरे ओशन से घिरा हुआ है अरेबियन सी इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल तो मालदीव्स और श्रीलंका इंडियन ओशन के पास पड़ता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इट्स नियरेस्ट नेबर्स इन द इंडियन ओशन इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बेंगॉल इन द ईस्ट देखिए बे ऑफ बेंगोल इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट अरेबियन सी यहाँ पढ़ती है यहाँ लाई करती है द इंडियन ओशन इन द साउथ देखिए इंडियन ओशन इंडियन ओशन यहाँ पे इंडियन ओशन ओके इंडियन ओशन यहाँ लाई करती है तो इंडिया यहाँ से पूरी क्या है ओशन से घिर हुई है है ना नाउ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल स्टेट्स स्टेट्स क्या होते इंडिया भी इतनी बड़ी है बहुत वास्ट एरिया में है स्प्रेड की हुई तो अब कोई एक इंसान तो पूरे इंडिया को रूल नहीं कर पाएगा इसी गवर्नमेंट ने क्या किया इंडिया के छोटे 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 पार्ट्स कर दिए और उन पार्ट्स को उन्होंने स्टेट्स बना दिया अब अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने स्टेट्स को फॉलो करते हैं वो मेन हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उनसे भी बड़ा प्रेसिडेंट होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पूरे इंडिया को ही फॉलो करते हैं लेकिन रूल करते पूरे इंडिया में लेकिन वो हर एक स्टेट्स में जाके तो नहीं कर सकते ना इसीलिए उन्होंने हर स्टेट्स का अपना एक सीएम बना दिया वो जो सीएम होते हैं वो अपने अपने स्टेट्स को देखते हैं जैसे समझो आपका स्कूल है आपके स्कूल के हेड कौन हो गई रूबिका मैम प्रिंसिपल मैम हमारी हेड हो गई ठीक है फिर अब हर क्लास में मैम जाके तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकती इसलिए बच्चों ने अलग अलग टीचर्स अलॉट किए ठीक है थिके? अपने अपने टीचर्स की हर एक क्लास की अपनी खुद की एक क्लास टीचर्स होती है जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं अराउंड थर्टी और थर्टी फाइव जितने भी बच्चे होते हैं वो क्लास टीचर्स अपने बच्चों को देखती है और मैम क्या करती मैम राउंड लगा के उन टीचर्स को देखते साथ में उन बच्चों को भी देखते ठीक है तो इस तरह से ही हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो पूरे इंडिया को देखते हैं और जो अलग अलग स्टेट है उनके जो सी है वो अपने स्टेट्स को देखते हैं ठीक है ठीके?